गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 8 जुलाई की बात करें तो 8 जुलाई को शनिवार का अवसर पड़ेगा और षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए पराक्रम का उदय करने वाली सूचना लेकर आ रहा है। और विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो इस दिन परिवर्तन हो रहा है बुध में भी और बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे मध्याह्न काल में। ये आपकी बहुत सुंदर स्थिति बनाएंगे। ये आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को, आपकी सांसारिक बुद्धि को और ज़्यादा ठीक करने के योग बनाएंगे। अभी तक आप में जो था थोड़ा सा वीतराग उत्पन्न हो रखा था बुध के कारण से, कई बार मनोभाव ऐसा हो गया था पिछले करीब 20 दिन में, आपने देखा होगा कि कोई लाभ नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन अब आप उन्हीं तिलों में से तेल निकालने का दोबारा प्रयास कर सकते हैं जिनमें आपने पहले सोच लिया था कि कोई लाभ की स्थिति नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी ऐसी हो सकती है तो इस स्थिति का आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें एक पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें शनि को, विशेष तौर पर शनि के दोषों को दूर करने के लिए। ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बुध थोड़े अस्त हैं इस वक्त, तो ऐसे में बुध को भी शक्ति प्रशस्त करने के लिए आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप हरी सब्जियों का दान करें, वो आपके लिए बुध की शक्ति को प्रशस्त करने वाला रहेगा क्योंकि बुध अस्त चल रहे हैं। 9 जुलाई की यदि हम बात करें तो इस दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि उदया है, लेकिन उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा, इसीलिए आज की तिथि को कालाष्टमी के रूप में माना जाता है। तो ऐसे में सावन का महीना, कालाष्टमी की तिथि, भगवान शिव को प्रसन्न करने का बड़ा सुंदर अवसर है, तो कोशिश ये करें शिव पार्वती, क्योंकि रविवार का अवसर दुर्गा जी के लिए भी प्रशस्त होता है और ऐसे में अष्टमी तिथि जो है वो शिव और पार्वती दोनों के लिए प्रशस्त कही जाती है। तो दोनों का पूजन बड़े सुंदर तरीके से करें और विशेष तौर पर भगवान उनकी आरती उतारें, कर्पूर गौरम करुणावतारम करते हुए भगवान शिव को कर्पूर के द्वारा बड़ी प्रसन्नता पूजन करने से कहता है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बड़े सुंदर अवसर बन जाते हैं। तो ऐसे में आपकी ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए पॉजिटिव चल रही है, बट एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने कार्यों को पूरी तरह से कराने का प्रयास करना है। रविवार का अवसर है और ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस वाला रहेगा। 10 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि उदया तिथि के तौर पर है, लेकिन पहला सावन का सोमवार पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बना रहा है। और ऐसे में हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से भव्य कार्यक्रम रखा है। सावन के पहले सोमवार पर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रोजाना चल रहा है और इसको आज के दिन बड़े व्यापक रूप से आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रहों की गणना तो आज पॉजिटिव बनी हुई है आपके लिए और शाम को जब चंद्रमा परिवर्तन करेगा तो वो और पॉजिटिव हो जाएगा, तो गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा, ऐसे में लाभ की स्थिति और प्रबल हो जाएगी, कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने के और ज़्यादा योग हैं, धन आगमन होने के रास्ते बनेंगे, कुछ लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ऐसे में आप स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य को पूरी तरह से आनंद के साथ करने का प्रयास करें। सावन का सोमवार है जैसा हमने आपको बताया, जो सावन का विशेष पूजन का व्यवस्था है, हमने 60 दिन तक के लिए आने वाले विशेष तौर पे विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक, रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं वो आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में इन फोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित कर उसमें स्थान ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो लोग दूर हैं उनके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है कि आप हमारे इस नंबर्स पर अपने प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे यहाँ योग ब्राह्मणों के द्वारा आपके अनुष्ठानित कार्य को करने की सुंदर व्यवस्था है, आप उस समय अपने नाम के द्वारा रुद्राभिषेक कराएं, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद।